इस वीडियो में सीबीआई द्वारा रिया से किए गए उन तमाम सवालों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप खुद अनुमान लगा लेंगे कि सीबीआई से रिया ने कितनी सवालों का झूठा जवाब दिया। झूठ का पता तब चला जब रिया के पापा को सीबीआई ने कल अपने सामने बैठा कर सवाल किया। जी हां, बताया जा रहा है कि रिया और उनके पापा इंद्रजीत चक्रवर्ती में बहुत ज्यादा विरोधाभास मिला है। यही नहीं, रिया और गौरव आर्या के बयानों में भी बहुत ज्यादा विरोधाभास मिला और ये जितने भी इंडिविजुअल पूछताछ सीबीआई द्वारा की गई थी, ये सारे पूछताछ सीबीआई के प्री प्लानिंग के तहत हुआ है। अब रिया पूरी तरह से गिर गई है। बता दूं, जब सीबीआई ने रिया से पूछा कि 2017 में आप ड्रग्स के लिए खरीदी थी, फिर रिया ने जो जवाब दिया सुनकर सीबीआई के अधिकारी भी शॉक्ड हो गए। इसके जवाब में रिया ने कहा कि सर, मैंने 2017 में कभी ड्रग्स नहीं खरीदा, जितने भी व्हाट्सएप चैट वायरल हो रहे हैं उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद सीबीआई ने गौरव आर्या को रिया के सामने बुला लिया और फिर सीबीआई ने गौरव आर्या से पूछा कि ये क्या है गौरव, बताइए 2017 में आपने रिया को ड्रग भेजा था या नहीं। गौरव आर्या ने रिया के सामने ही उसकी पोल खोल दी और उसने उगलते हुए कह दिया कि रिया ने हमसे कई बार ड्रग्स मंगवाए हैं। सोशल मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गौरव आर्या के बयानों को सुनने के बाद रिया चक्रवर्ती के होश उड़ गए थे और वह अंदर ही अंदर सीबीआई पर गुस्सा होने लगी। और फिर सीबीआई ने रिया से आखिरी बार पूछा कि बताओ 2017 में ड्रग लिया था या नहीं। जवाब देते हुए रिया ने कहा, सर 2017 में मैंने ड्रग मंगवाई थी लेकिन मैंने खुद कभी नहीं लिया। इसके बाद सीबीआई ने पूछा कि फिर आप 2017 में किसके लिए ड्रग्स मंगवाती थी, उसका नाम बताइए। घबराती हुई रिया ने अपने पिताजी का ही नाम ले लिया। सोशल मीडिया के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये खबर सुनते ही सीबीआई के होश उड़ गई थी और सीबीआई को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि एक लड़की के पिता जो पहले रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, जो एक डॉक्टर भी है, उन्होंने अपनी बेटी के साथ ऐसा काम करवाया। और सबसे विरोधाभास तब सामने आई जब सीबीआई रिया के पापा इंद्रजीत चक्रवर्ती से अलग पूछताछ में सवाल किया। सीबीआई ने जब उनसे पूछा कि क्या आपने कभी ड्रग्स लिया है, इस पर रिया के पापा इंद्रजीत चक्रवर्ती ने कहा उन्होंने कभी जिंदगी में ड्रग्स नहीं लिया है और ना ही कभी लेंगे। तब सीबीआई अधिकारी भी गुस्से से लाल हो गए और अब बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती से फिर सीबीआई पूछताछ शुरू करेगी। तो आपने देखा कि सीबीआई कितनी चालाक होती है और कितनी समझदार होती है और उन्हें अच्छी तरीके से आता है कि सामने बैठे मुजरिम से सच कैसे कबूल कराया जाए। आपको बता दें कि खबरों के अनुसार ये साफ तय माना जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती पूरी तरीके से फंस चुकी है। दो गंभीर मामले उनके खिलाफ दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें पहला है सुशांत को इस दुनिया से जाने के लिए उकसाना और दूसरा ड्रग तस्करी में रिया का नाम शामिल होना। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस घटना की जांच पूरी जड़ से होनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दें ताकि उनके दुश्मनों को पता चल सके कि बॉलीवुड में सुशांत का कितना बड़ा दिल था एवं उनके चाहने वालों की संख्या कितना ज्यादा है। ये वीडियो पूरे देश में फैला दीजिए ताकि ये वीडियो बॉलीवुड के उन गंदे आदमियों को तमाचा मारे जो इसमें शामिल थी। आपको बता दें कि चक्रवर्ती परिवार ने हमारे सुशांत को अपने चक्रव्यूह में फंसाकर उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया, उसे बदनाम किया, अब उसके परिवार को बदनाम किया और अब उसे सजा भी दिलाना चाहते हैं। एक तो चोरी किया और ऊपर से सीना चोरी करते हैं, शर्म नहीं आती आपको चक्रवर्ती परिवार? एक मासूम सुशांत के पैसों को पहले आप लोगों ने लूटा, फिर उसे कंगाल कर दिया और जब वह मासूम अकेला पड़ गया तो उसे उकसाया, ड्रग पिलाया और अंत में इतना बड़ा अंजाम दे दिया। दोस्तों, ऐसे ही बेइज्जत लोगों को पकड़ने के लिए दिल्ली से एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी जिनका नाम राकेश अस्थाना है, वे अब मुंबई पधार चुके हैं, जिसके बाद बॉलीवुड में हड़कंप मचा हुआ है। दिन प्रतिदिन बड़े बड़े बॉलीवुड अभिनेता का नाम सामने आता जा रहा है, बड़े बड़े नेताओं का नाम भी सामने आता जा रहा है और अब तो खबर आ रही है कि इसमें बड़े बड़े क्रिकेटर भी शामिल पाए जा सकते हैं। इस तरह से देखा जाए कि अगर राकेश अस्थाना अगर इस पूरे लिंक को उजागर करते हैं तो पूरे बॉलीवुड में तहलका मच जाएगा और फिर बड़े बड़े खान भी जमीन पर पड़े हुए दिखाई देंगे और ड्रग्स के जाल में गिरफ्तार हो सकते हैं, जिनके फिल्म देखकर हमारा पूरा भारत कुछ सीखता है। वैसे लोग अंदर से खोखले हैं दोस्तों, जिनकी बॉडी बहुत बाहर से स्ट्रांग दिखती है लेकिन वे अंदर से बिल्कुल खोखली है। और अब इस बात का खुलासा राकेश अस्थाना जी बहुत ही बुरी तरीके से करने वाले हैं, जिसमें बड़े बड़े बॉलीवुड माफियाओं का नाम जब खुलेगा तो इसकी आवाज पूरी दुनिया में गूंजेगी। वैसे दोस्तों, कंगना रनौत ने इसकी शुरुआत की थी, इसलिए इस ड्रग्स माफियाओं का भंडाफोड़ करने के लिए आप कंगना को कमेंट में थैंक यू जरूर लिखे। वही रिया को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उसके पिता को भी गिरफ्तार किया जाए, इसलिए ये आप सब कमेंट में लिखिए और सत्य की जीत हो इसलिए सत्य में जीते भी लिखिए। वही सुशांत को न्याय मिले इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए ये तथा चैनल को नीचे सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही और खबर आप तक पहुँचते रहे। आपको बता दूं, सीबीआई रिया चक्रवर्ती से चार दिन के पूछताछ के बाद आज भी पूछताछ जारी रखेगी। अब सीबीआई को तमाम पाँच बड़े सबूत मिल गए हैं जिससे सीबीआई का इशारा महेश भट्ट पर जा रहा था। आपको बता दूं, महेश भट्ट वो शख्स है जो अपने इंटरव्यू में सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बताया था कि वे डिप्रेस्ड है। ये तो सबको पता ही होगा कि महेश भट्ट ही वो शख्स था जिसे रिया चक्रवर्ती 8 जून को बात की थी।
एवं 14 जून को भी व्हाट्सएप चैट के जरिए बात किया था। महेश भट्ट का ही ड्रग्स मामले में लगभग नाम आना तय माना जा रहा है। आपको बता दूं, ड्रग्स मामले की जांच करने के लिए न्यूरोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में एक और नए तेज तर्रार अफसर की दिल्ली से मुंबई में आगमन हो गया है। वे अफसर पूरे बॉलीवुड में घुसकर उन तमाम लोगों की नाम उजागर करेगा जो सुशांत सिंह को ड्रग्स दिया करते थे या खुद ड्रग्स लेते हैं। आपको बता दूं, भारत जैसे देश में ड्रग्स लेना कानूनी अपराध है और ये माना जा रहा है कि महेश भट्ट रिया के साथ मिलकर सुशांत सिंह राजपूत को संदीप सिंह के द्वारा ड्रग्स दिया करते थे, जिससे लगभग महेश भट्ट और संदीप सिंह को सीबीआई अब डायरेक्ट गिरफ्तार कर सकती है। आज हम आपको बताएंगे वे पांच बड़े सबूतों के बारे में जो सीबीआई को महेश भट्ट और संदीप सिंह के विरुद्ध मिल गए हैं। दोस्तों, सीबीआई अब लगभग अपने अंतिम गुनाहगारों तक पहुंच गई है। आप कमेंट करके सुशांत मामले में दोषी सभी गुनाहगारों के नाम जरूर लिखिए। पूरे भारत या विश्व में सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी फैंस हैं और जो चाहने वाले हैं सुशांत सिंह को न्याय मिले, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। इस वीडियो को भारत का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला वीडियो बना दीजिए एवं कैपिटल जी न्यूज नेशनल चैनल को आगे नए नए अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके जरूर रोके, ताकि सुशांत मामले में हर जानकारी आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, वैसे अब तक की सबसे मुख्य न्यूज की बात करें तो सीबीआई ने अब उस शख्स को समन जारी किया है जिसका पूरा भारत इंतजार कर रहा था। जी हां, सीबीआई अब उसी महेश भट्ट से पूछताछ करेगी जो 14 जून को रिया चक्रवर्ती के साथ व्हाट्सएप चैट पर सबसे ज्यादा सक्रिय था। बताया जा रहा है कि महेश भट्ट का रिया के साथ अफेयर्स काफी दिनों से चला आ रहा है और महेश भट्ट अपने लव अफेयर्स में नहीं चाहता था कि सुशांत बीच में बाधा बने रही। सीबीआई को महेश भट्ट के बारे में पहले ही सारे सुराग मिल गए थे, लेकिन वे सबूत जुटाकर ही महेश भट्ट से पूछताछ करनी चाहती थी। सूत्रों से बताया जा रहा है कि ये सारे सुराग सीबीआई को सिद्धार्थ पिटानी ने बता दिए थे। सीबीआई ने सिद्धार्थ पिटानी से बहुत सारी गुप्त जानकारी प्राप्त कर लिया है। आपको बता दूं कि सीबीआई ने पिटानी से पिछले 10 दिनों से कड़ी पूछताछ की है और रिया चक्रवर्ती से भी सीबीआई पिछले 5 दिनों से पूछताछ कर रही है। सुशांत सिंह केस में महेश भट्ट का कहीं ना कहीं दूर से कोई न कोई लिंक जरूर था। लिंक की वजह यह थी कि 8 जून को रिया चक्रवर्ती जब सुशांत सिंह के घर से निकल रही थी तो आखिर रिया सबसे पहले महेश भट्ट को ही व्हाट्सएप क्यों किया। आपको बता दूं कि पहले भी कई बार सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया एवं महेश भट्ट को एक साथ देखा गया है। दोनों की दोस्ती तब हुई थी जब महेश भट्ट ने रिया को अपने फिल्मों में काम दिया था। इन तमाम चीजों का खुलासा तब होगा जब महेश भट्ट सीबीआई के सामने बैठेगा। वैसे महेश भट्ट पहले भी ये बेबुनियाद बातें बोल रहा था कि सुशांत एक डिप्रेस्ड इंसान है। उनके इस बयान से सीबीआई को एक बड़ा क्लू मिल सकता है। महेश भट्ट ने आखिर यह क्यों बोला? क्या महेश भट्ट इस मामले में बहुत बड़ा हाथ है? क्या महेश भट्ट ही वो शख्स है जिसने संदीप सिंह को 13 जून की रात सुशांत के घर भेजा था? अब देखना यह है कि सुशांत सिंह राजपूत है, उनकी फैमिली और उनके तमाम फैंस को कब तक न्याय मिलता है, कब तक सीबीआई इन सारे गुनाहगारों को, इन गुनाहगारों के पीछे के जो बड़ा हाथ है, इन सब लोगों की गिरफ्तारी कब तक कर लेती है।